करेंगे कॉटन के फार्मिंग के बारे में, कि कॉटन में जो बेसल डोज दी जाती है यानी कि सोविंग से पहले जो फर्टिलाइजर दी जाती है उस पर हम बात करेंगे। जैसे अप्रैल महीना स्टार्ट हो चुका है कॉटन की सोविंग के लिए, अप्रैल और मई महीना बेस्ट माना जाता है। और इसके अगर हम अंकुरण का देखें तो 30 डिग्री टेम्परेचर से 35 डिग्री जो टेम्परेचर रहता है वो अनुकूल माना गया है। तो हम बेसल फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं कि जो सोविंग रहती है कॉटन की, तो कॉटन की सोविंग से पहले कौन से फर्टिलाइजर दिए जाए जिससे कॉटन का प्रोडक्शन अच्छा रहे। तो उसमें आप SSP 70 से 80 किलो, यूरिया 30 से 40 किलो और जो पोटास है वो 10 किलो एक साथ मिलाकर यूज कर सकते हैं। आपको अगर एक साथ नहीं मिलाते हो तो जब जब खेत पे जाते हो तभी आपको मिला के देना है, क्योंकि अब जब पहले मिला लेते हो तो यूरिया में कंसिस्टेंसी होती है जिससे वो पानी छोड़ता है, तो उस टाइम आपको SSP नहीं मिलाना है। जब आप यूज करो, जब डायरेक्ट यूज करते हो तभी आपको खेत में अपने को देना है। अगर SSP नहीं मिलता है मार्केट में तो आप DAP 25 से 30 किलो के समथिंग लेके पर एकड़ के साथ आप मिक्स करके यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जैसे सोविंग हो गई, तब जब आप पहला पानी यूज करते हो तो पहले पानी में आपको कोई फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से गर्मी बहुत रहती है तो आपको देने की ज़रूरत नहीं। सेकंड पानी आप जब दो तब उसमें यूरिया 4 से 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से और जिंक वो 2 से 4 किलो के हिसाब से आपको देना है। जिंक क्यों देना है? क्योंकि जिंक एक फाइटोटोनिक वर्क करता है, एक ग्रीनिंग लाता है और शुरुआती अवस्था में ग्रोथ के लिए प्लांट को स्ट्रेस से बचाने के लिए एक सहायक है। तो जिंक एक प्रकार का अपने माइक्रोन्यूट्रेंट है, वो आपको देना सहायक है। तो जिंक आपको 2 से 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से देना है। थर्ड पानी की अगर बात करें तो अगर सेकंड पानी में आप यूरिया और जिंक का यूज़ नहीं करते हो तो थर्ड पानी में आपको वही यूरिया और जिंक आप दे सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जब क्रॉप महीने भर के समथिंग हो जाती है तो देखा गया कि उसमें इंसेक्ट की प्रॉब्लम रहती है, फंगस की रहती है, अगर ग्रोथ भी कम रहती है तो उसमें इंसेक्ट में जैसे एफिड, जैसे थ्रिप्स, वाइट फ्लाई है, फंगस में ब्लैक रोट, रूट रोट, विल्टिंग, ब्लाइट है, तो इसके लिए अच्छे इंसेक्टिसाइड को आपको सेलेक्ट करना है जिसमें थायमेथोक्जाम 25%, इमिडाक्लोरपीड आप 17% ले सकते हो, या फिर एसीटामाप्रीड जो 20% में आता है वो आप ले सकते हो, फिप्रोनिल आप यूज कर सकते हो, तो ये आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा फंजीसाइड में अगर देखें तो फंजीसाइड में आपको मैनकोजेब प्लस कार्बन डिस्मा है जो कॉन्टैक्ट सिस्टमेटिक फंजीसाइड है, प्लांट के सिस्टम में जाकर वर्क करता है, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो 50% में आता है या फिर कार्बन डिस्मा आता है 50% के रूप में, वो 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको यूज करना है। इससे आपके जो फंगस की प्रॉब्लम रहती है मेजर वो नहीं रहेगी। अभी हम बात करते हैं अच्छे ग्रोथ के लिए। जब कॉटन शुरुआती अवस्था होती है तो उसमें ग्रोथ को देखा जाता है, क्योंकि जब कॉटन शुरुआती अवस्था में ग्रोथ करेगी तो लॉन्ग टाइम तक ग्रोथ अच्छे से रहेगी।